बिल्कुल, देखिए हम जो जयपुर शहर में मतदान शुरू हो चुका है, ज्योति खंडेलवाल के निवास पे हम मौजूद है। ज्योति खंडेलवाल अपने परिजनों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ मतदान करने के लिए रवाना हो रही है। और तस्वीर, पहली तस्वीर आप देखिए, फर्स्ट इंडिया पे ज्योति खंडेलवाल अपने उस वाहन में बैठ के मतदान के लिए निकल रही है। और कुछ ही दूर में इनका जो मतदान केंद्र है जहाँ पे वो वोट करेंगे। और ख़ास बात ये है कि लगातार लोगों से संपर्क में भी है कि जो किस तरह से वोटिंग हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, लोग बाहर निकले या नहीं निकले। आप देख सकते हो कि ज्योति जी जो है वो मतदान के लिए अब कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ जो है वो मतदान के लिए हम निकले, आप देख सकते हो। लेकिन साथ ही संपर्क भी जो है वो किया जा रहा है, लगातार लोगों से बात कर रही हैं। और कई जगह इनके पास जो ये बातें भी आ रही है कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे जो मशीन है वो शुरू नहीं हो पाई, कुछ जगह से कार्यकर्ताओं को दिक्कत आ रही है, तो साथ ही ये संपर्क भी लोगों से करी। ज्योति से बात करते हैं। ज्योति जी, काफ़ी समय मेहनत करी है आपने, खूब मेहनत करी है, और आज अब बारी जनता की है, क्या कहना? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने जनता से पूरा संपर्क करने की कोशिश की है, जनता से भी मुझे काफ़ी समर्थन और साथ मिला है। आज उनके मन का वोट डालने का दिन है, मतदाताओं के लिए उत्सव का दिन है, लोकतंत्र के लिए एक त्यौहार है। और सुबह से हमारी भी तैयारियां चल रही हैं कि जो अंदर PLAs पहुंचते हैं समय पे वो पहुंच गए, अगर कहीं नहीं पहुंचे हैं तो हमने तुरंत प्रभाव से वहां पर भेजे, जिससे कि एक सही तरीके से जो अंदर जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर ढंग से शुरू हो सके। और चूँकि खुद को भी मतदान करना है तो नेचुरली ये मेरे लिए भी अब समय है कि मैं मतदान करने के लिए निकलूं। और यहीं मेरे घर के नज़दीक ही छोटी चौपड़ पर ही मतदान केंद्र है, महाराजा स्कूल, सपरिवार हम सभी, मैं, मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बेटा बेटी, हम सब लोग, क्योंकि त्यौहार है, सपरिवार मनाना चाहिए, इसलिए हम सभी त्यौहार है। और इसीलिए शायद आपने तेज और गणगौर का जो एक बात अपने अपील में की है उसका कारण यही है। और गोविंद की नगरी में गोविंद के दर्शन से सुना आपने, उसके बाद इनकी शुरुआत की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी, और मेरा तो रहता है गोविंद देव जी जाने का, तो आज मंगला झांकी से गोविंद देव जी के दर्शन से शुरुआत की है। और मुझे गोविंद से प्रार्थना की है कि मुझे आशीर्वाद दे कि लोगों का भरपूर साथ और समर्थन मुझे मिले और मैं उनकी आवाज़ को संसद में पहुंचा सकूं। काफ़ी गर्मी का मौसम राजस्थान में, और पहले माना जाता था कि पोलिंग कम होगी, एज ए वोटर, एज ए जयपुर के नागरिक के लोगों से क्या अपील है कि ज़्यादा से संख्या में वोट किया जाए? मैं बिल्कुल जयपुर के नागरिकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप वोट देने घर से बाहर निकलें, बल्कि चाहूँगी सुबह सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, आप जल्दी से जल्दी निकलें। सही बात है, धूप है, बहुत तेज गर्मी है, और दिन में कई बार परेशानी होती है, लाइनें भी लग जाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप सुबह सुबह ही जो है वो अपना मतदान करें। मैं तो बल्कि महिलाओं से विशेष रूप से आग्रह करूँगी, चाय वाय छोड़िए, सबसे पहले वोट डालिए, और बल्कि अपने परिवार वालों को भी बोलिए कि चाय तभी मिलेगी जब वोट डाल कर के आओगे। तो महिलाएं शुरुआत करें, भूमिका निभाएं, वैसे भी महिलाओं का चुनाव है, महिलाओं की आन बान शान का चुनाव है, वो इनिशिएटिव्स लें और सबसे पहले वोट डालने के लिए निकलें और ऐलान कर दें घर में। मेयर का चुनाव आपने लड़ा था, जीता था, ठीक वही स्थिति, ये कह सकते हैं क्षेत्र उतना ही बड़ा है उस चुनाव में, और अब जो प्रचार किया लोकसभा के लिए, क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? देखिए, मेयर के चुनाव में और MP चुनाव में थोड़ा डिफरेंस तो होता है, दोनों में कुछ अलग अलग तरीके, वहाँ पर आपके पार्षद चुनाव लड़ रहा होता है साथ में हर एरिए में, और यहाँ पर MLAs, चूँकि हमारे 8 में से 5 MLAs जीते हुए थे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनके साथ जुड़ करके आप मतदान प्रचार करते हो। लेकिन जहाँ तक जनसंपर्क का सवाल है, मुझे लगता है दोनों में सेम सी बात है, क्योंकि एरिया भी लगभग लगभग सेम सा ही था। और जनसंपर्क तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, वो लोगों को वो फ़ायदा होता है। तो मैंने ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुँच सकूँ, पर ये भी सही बात है कि नहीं पहुँच पाते। ये ज़रूर कहूँगी कि मेयर टाइम पे तो और कम टाइम मिला था, लगभग केवल 10 दिन का ही टाइम मिला था, तो और कम जनसंपर्क हुआ हो पाया था। लेकिन मालवीय नगर में, सॉरी अभी विधा इसमें लोकसभा में जो है वो थोड़ा समय ज़्यादा मिला है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा क्षेत्र होने पे सब जगह पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुँच।
बिल्कुल, तो आप ये सुन रहे थे ज्योति खंडेलवाल, जयपुर शहर से प्रत्याशी, अपने घर से मतदान केंद्र तक जा रही थी सबीच, फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की महिलाओं को, खास तौर से अपील महिलाओं से घर से निकले, वोट कास्ट कीजिए। बड़ी बात यह कि 48 साल बाद ये जयपुर शहर में इस महिला कैंडिडेट को उतारा गया है।